नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सकें कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान के बात। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक अनुवांशिकी। शुरू करते हैं आज का विशेष अंक, जिसमें हम आपको खीरे की संरक्षित खेती एवं मिर्च में समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पे हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। हमारे लिए बहुत ही उत्साह एवं हर्ष का विषय है कि पूसा समाचार अब 5 अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया एवं बांग्ला में भी प्रसारित किए जा रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप इन प्रादेशिक अंकों का भी लाभ उठाएं। किसान भाइयों, सब्जियों की संरक्षित खेती बहुत ही लाभप्रद होती है। खास तौर पर पॉलीहाउस में की जाने वाली खीरे की खेती काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। इस बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पी के सिंह। किसान भाइयों, संरक्षित खेती में जो खीरा है वो सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाली फसल है, और इसको हम साल में 3 बार बो सकते हैं संरक्षित संरचनाओं में। एक बार आप जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, लगभग 3.5 महीने में आपकी फसल ख़त्म हो जाती है, और इसलिए इसके बाद दूसरी फसल ले सकते हैं आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से दूसरी ले सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी से फिर एक और फसल आप ले सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आप ये फसल ख़त्म कर सकते हैं और फिर आप अगली साइकिल शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साल में इसकी 3 फसलें ले सकते हैं। और जो खीरा है उसकी जो पौध रोपण है, या तो हम सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन जब जुलाई अगस्त का महीना होता है, बरसात का महीना होता है, तो या फिर सर्दी का मौसम होता है, उस समय हम इसको, इसकी नर्सरी को जो है प्लग ट्रे में तैयार करते हैं, और प्लग ट्रे से तैयार किए हुए पौधे जब 2 पत्ती के हो जाते हैं उस समय हम उनको रोपित करते हैं। और इसकी जो लगाने का दूरी होती है, तो पौधे की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि आपकी ड्रिप की जो वो होता है, आउटलेट होता है, उस पर 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर का होता है। तो जो खीरा है वो 30 सेंटीमीटर पर लगाते हैं पौधे से पौधे की दूरी, और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो करीब जो है 70 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तो इस तरह आप इस फसल को रोपित कर सकते हैं, और प्रति पौधा इसमें लगभग आपको 3.5 से 4.5 किलो तक उपज प्राप्त हो जाती है। और इसकी आप 3 बार करीब आप तुड़ाई कर सकते हैं, और पहली तुड़ाई जो है वो लगाने के 35 दिन बाद प्रारंभ हो जाती है। तो 35 दिन के बाद आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, और इस तरह से ये एक बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली फसल है, जो कि हम 3 बार साल में ले सकते हैं। हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा पूसा पार्थेनोकार्पिक 6 एक प्रजाति विकसित की गई है, जो एक बहुत अच्छी किस्म है, उसको भी आप लगा सकते हैं। संरक्षित संरचनाओं में हम जिन खीरे की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं, उनमें अधिकतर प्रजातियां जो होती हैं वो हम पार्थेनोकार्पिक गाइनोसियस हाइब्रिड्स लेते हैं, जिनमें कि परागण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संरक्षित संरचनाओं के अंदर जो परागण में सहायक कीट होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। जो लागत और कमाई का अनुपात होता है, अगर आप उसको देखें, तो चाहे वो टमाटर हो या शिमला मिर्च हो या चेरी टमाटर है, तो उन सबसे ज़्यादा हमें खीरे में मिलता है। और इसमें हम जब 1 रुपया खर्च करते हैं, तो लगभग उसकी जगह पर हमें 3.5 रुपये के आसपास जो है वो आमदनी होती है। तो आपकी जो 3 गुने से ज़्यादा आपकी जो इसका जो कास्ट बेनिफिट रेशियो है, या आमदनी खर्च का जो अनुपात होता है, वो लगभग 3 गुने से ज़्यादा का आता है। तो इसी लिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली संरक्षित क्षेत्र की फसल है। और इसको आप देखें, पूरे भारतवर्ष में लगभग हर जगह किसान पैदा कर रहे हैं। प्रति 1000 वर्ग मीटर में लगभग जो नेट बचत होती है वो लगभग 1,21,000-22,000 रुपये के आसपास प्राप्त होती है। मिर्च में तीखापन और पल्प या गूदे की मात्रा के अनुसार इसका प्रयोग सब्जी या मसाले के रूप में किया जाता है। जो किसान भाई गर्मियों में मिर्च की खेती कर रहे हैं, उन्हें अच्छी उपज लेने हैं तो किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव।
लीफ कर्ल मिर्च में काफी बड़ी बीमारी आज के समय में पाई गई है। इसको जो है हिंदी में पर्ण कुंचन या मरोड़िया बीमारी के नाम पे भी किसान भाई जानते हैं। तो ये बीमारी एक तरह के विषाणु से फैलती है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाई जाती है, और ये सफ़ेद मक्खियाँ ही इस विषाणु को फैलाती है जिसके कारण ये रोग होता है। इसके लिए किसान भाई क्या करें कि वो जो है अपने पौधों को नर्सरी को 400 mesh साइज के नेट के अंदर ही ले। इससे क्या है कि सफ़ेद मक्खी अंदर ना घुस पाएंगी और विषाणु से पौधों को बचाया जा सके। उस टनल के अंदर में येलो स्टिकी ट्रैप जो आती है उसको भी नियमित अंतराल में लगा लें, इससे भी सफ़ेद मक्खियों का काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। साथ ही साथ जो है वो नीम के तेल का भी छिड़काव करते रहें जिसका दर 2 ml प्रति लीटर होगा। एक बार पौध जब तैयार हो जाती है तो खेतों में रोपाई से पहले पौधों में फिर से नीम का तेल का छिड़काव करें। इससे जो है 10 से 15 दिन तक पौध जब खेत में पहुंच जाएंगे तो उनको रोग या बीमारी से बचाया जा सकेगा। खेतों के चारों तरफ 2 से 3 पंक्तियां जो है मक्का का या ज्वार का लगा लें। इससे मक्के या ज्वार की ये खासियत होती है कि ये सफ़ेद मक्खियों को रोकते हैं। एक बार खेतों में जब पौध आ गया है तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि खरपतवार खेतों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये खरपतवार जो है कई तरह के कीटों का घर होता है। इसमें जो है सफ़ेद मक्खी जो है मुख्य रोग वाहक है। फसल चक्र में क्या है कि अगर एक खेत में किसान भाई टमाटर वर्गीय फसल ले चुके हैं एक साल में, तो कोशिश करें कि उस खेत में दूसरे साल वो फसल फिर से ना ले। टमाटर वर्गीय जितने भी जिसमें मिर्च आती है, टमाटर आता है, बैंगन आता है, आलू आता है, ये फसलें ना ले। तो जो पौधे जिनमें इनको लग रहा है कि बीमारी आ चुकी है तो उनको उखाड़ करके खेतों से दूर एक गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दाब दें। इसमें कई सारी रासायनिक दवाइयाँ आज के दिन में मौजूद हैं, जैसे है डाई थुएट है, ये लिक्विड में आता है, तो 2 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें। फिर डाइफेंथियोरॉन जिसका दर है 0.5 ग्राम प्रति लीटर दर से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान किसान भाइयों को रखना है कि जब भी इनका छिड़काव करें तो बदल बदल के करें, एक ही दवाई का छिड़काव लगातार ना करें। साथ ही नीम का तेल भी मिला सकते हैं दवाइयों के साथ, तो नीम के तेल का जो दर रहेगा वो 5 ml प्रति लीटर होगा। अगर आप प्रतिरोधक जो किस्में जो लगा रहे हैं वो रोग प्रतिरोधक किस्में हों, जिसमें से हमारे संस्थान से एक किस्म है पूसा सदाबहार, इसमें काफ़ी हद तक रोग को रोकने की क्षमता होती है। इस समय एक और कीट जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो माहू है, जिसको अंग्रेजी में थ्रिप्स बोलते हैं। ये एक तरह के दूसरे विषाणु को फैलाती है जिसको टॉस्पोवायरस बोलते हैं। तो इसमें जो है पत्तियों में कड़ापन आना, पत्तियां मुड़ना, ये सब बीमारियां देखी जा सकती हैं। तो इनका इसके बचाव के लिए अलग अलग तरीके की रासायनिक दवाइयां हैं, जिसमें से डाइमेथोएट आती है। तो सफ़ेद मक्खियों के लिए जो भी बचाव हमने बताया है वही सेम पद्धति आपको माहू के बचाव के लिए भी करना है, बस दवाइयां थोड़ी सी बदल जाती हैं, जिसमें से अलिका नाम की जो दवाई है वो आप इस्तेमाल करें। इसका दर जो है लगभग 1 ml प्रति लीटर रहेगा, उसका छिड़काव करके इस कीट से आप बचाव कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। पटियाला पंजाब से हरविंदर जी ने खीरे के पत्तों के किनारे से मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स तथा एफिड का प्रकोप दिख रहा है, इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु ओबेरॉन की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। इसके पश्चात डाइफेंथोरॉन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक बार पुनः छिड़काव करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अमजद अली जी ने आम के अपरिपक्व या कच्चे फलों के स्वतः ही गिरने की समस्या बताई है। आपके आम के पौधों में यह समस्या पोषक तत्वों की कमी के कारण हुई दिख रही है। इसके समाधान के लिए 600 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। साथ ही आम के बाग में हल्की सिंचाई कर नमी भी अवश्य बनाए रखें। उज्जैन मध्य प्रदेश से कमाल यादव जी ने करेले में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ दिख रहा है जो कि कीटों से फैलता है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड की लगभग 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में हम किसान भाइयों और अपने सभी दर्शकों को इसके बचाव के कुछ नियमों का पालन करने का आग्रह करते हैं। इस बारे में आइए देखते हैं हमारे संस्थान द्वारा निर्मित एक छोटी प्रस्तुति। कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए स्वयं,
अपने परिवार एवं पूसा परिसर को कोविड 19 संक्रमण से बचाने हेतु हम सबको चार दिशा निर्देशों का 100% पालन करना है। पहला, आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाहर जाने से बचें। जहां तक संभव हो खाद्य एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री को ऑनलाइन ऑर्डर करें। दूसरा, बाहर जाते समय N95 मास्क पहने या फिर डबल मास्क अवश्य लगाएं। डबल मास्क लगाने हेतु एक 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहने तथा उसके ऊपर एक कॉटन मास्क पहने। इन दोनों मास्क को इस तरह पहने कि आपके नाक एवं मुंह पूरी तरह से ढके हों, जिससे बाहर की हवा मास्क के किनारों से पास न हो और आप संक्रमण से पूर्णतः बच सकें। तीसरा, बाहर जाते समय सैनिटाइजर को हमेशा अपने साथ रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें एवं किसी भी सतह को छूने से बचें। जरूरी सामान इत्यादि को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज अवश्य करें। घर से बाहर हमेशा हाथ में अच्छी तरह दस्ताने पहनें तथा घर वापस आकर दस्तानों को कूड़ेदान में डाल दें एवं स्नान कर ही परिवार वालों से मिलें। चौथा, घर से बाहर दूध एवं अन्य महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। कैशलेस पेमेंट अपनाएं। आइए इस कठिन घड़ी में धैर्य, साहस एवं दिशा निर्देशों के पालन कर हम सब कोविड 19 की नई चुनौती का दृढ़ता पूर्वक सामना करें। अपना, अपने परिवार का एवं पूसा परिसर का ख्याल रखें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी भारत में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना है। 2 मई से पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। 1 से 3 मई के दौरान असम और मेघालय, 3 मई को उड़ीसा, 3 और 4 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 और 5 मई को गंगी पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि तथा तेज हवा की संभावना है। 5 से 7 मई के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा या बर्फबारी की और उत्तर पश्चिम में समीपवर्ती मैदानी इलाकों में कुछ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।